बाकी तो कोई दिख नहीं रहा बेटा आता हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, अब ये लेफ्ट ओवर टॉपिक जो है रेक्टिफिकेशन का, ये है वन साइडेड एरर्स का। अभी तक जो हमने एरर्स ऊपर की थी बेटा, उन्हें टू साइडेड एरर कहा जाता है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, बट वन साइडेड एरर्स में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ही अफेक्ट होता है। इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होता। रीजन, अगर इमेजिन सिर्फ एक ही अकाउंट में डेबिट ज्यादा हो जाए या क्रेडिट ज्यादा हो जाए, तो क्या उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे या नहीं? सेम आएंगे। इमेजिन अगर सिर्फ एक अकाउंट के अंदर आपने डेबिट की चीज नहीं दिखाई और बाकी सारी जगह डेबिट पूरा दिखाया और क्रेडिट पूरा दिखाया है, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है, या ऐसी एरर्स को जो है हम वन साइडेड एरर्स कहते हैं, या फिर वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। इन सिनारियोस, इस जो तरीके की प्रॉब्लम होती है या इस तरीके के एरर को एलिमिनेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है कि आप उनका लेजर में इफेक्ट दिखाओ, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। हम करेंगे दूसरे इफेक्ट की बात, वो है सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। अभी सस्पेंस अकाउंट है क्या? तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, जब साल के एंड पे आपने बहुत कुछ अपना पूरे के पूरे अकाउंट्स क्रॉस चेक कर लिए हैं, सब कुछ देख लिया, आपके लेजर आपके हिसाब से ठीक है, बट फिर भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली ना करे, तो आप अपना टाइम और एफर्ट्स बचाने के लिए क्या करते हो, जो भी डिफरेंस होता है उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है, और बाद में जब गलती मिल जाती है देन उस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक ट्रायल बैलेंस है, मैंने सारे के सारे लेजर अपने क्रॉस चेक कर लिए, पर इधर का टोटल 1 लाख आ रहा है और इधर का 99,000 ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इक्वल तो करने पड़ेंगे, वरना हमारे आगे का काम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1,000 रुपए अलग से दिखा देते हैं, जिसका नाम डाल दिया जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और बाद में जब वो गलती मिल जाएगी जिसकी वजह से 1,000 रुपए डेबिट में ज्यादा थे या 1,000 रुपए क्रेडिट में कम थे, देन हम उसे एक जर्नल एंट्री पास करके उस एरर को रेक्टिफाई कर देते हैं। क्लियर हुआ क्या मीनिंग है वन साइडेड एरर्स का? सर, बट अभी अभी हम टेलीमार्क, अरे हम वो बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर के अंदर हमारा नहीं सेम आ रहा, तो हम यूज कर सकते हैं? हाँ जी, उसमें आई गेस एक लास्ट का क्वेश्चन था भी जिसमें सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ था। अगर आप चेक करोगे ना, कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पुट भी किया था, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें सस्पेंस अकाउंट का नाम आ रहा था। रीजन, आपको जो लेजर बैलेंसेस गिवन है वो क्लोजिंग वाले सारे गिवन है, बट अगर वो सब कुछ रखने के बाद भी आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए, तो जो भी डिफरेंस होता है वो एक नया अकाउंट खोल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट, जिसके नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाता है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि ये 1,000 रुपए किस वजह से है ये हमें पता नहीं है, क्या डेबिट 1,000 रुपए ज्यादा है या क्रेडिट 1,000 रुपए कम है, तो ये चीज अभी हम श्योर नहीं है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और ये जो है इन्हें बेटा वन साइडेड एरर कहते हैं। साहिल, वन साइडेड एरर जो सिर्फ एक साइड को अफेक्ट करें, या तो डेबिट को या फिर क्रेडिट को। अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन की थी ऊपर, वो एक दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही थी, तो उन्हें टू साइडेड एरर्स कहते हैं। बट आज का टॉपिक जो है वो वन साइडेड एरर्स के साथ है रिलेटेड, जिसमें सिर्फ एक अकाउंट ही अफेक्ट होगा। ठीक है, तो सर जो मतलब ये एंड के अंदर हम करते, तो इसको मतलब गलती मिल जानी चाहिए ना, मतलब ऐसे भेज तो नहीं सकते ना सस्पेंस अकाउंट के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, हम भेज सकते हैं, बट बाद में जब एरर मिल जाती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है। पर अगर एरर मिले ना, तो मतलब जैसे कि लोग अपने वो बचा लेते हैं ना, सेल्स बचा लेते हैं,
तो जैसे लिख दे सस्पेंस अकाउंट करके। बट पता क्या होता है, जितना ज्यादा सस्पेंस होगा उतना फिर गवर्नमेंट भी तो पूछेगी भाई इतनी क्या तुम्हारे वो आ रहे हैं, ये जो साइन करेगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई पेनल्टी लग जाती है ऐसे सिनारियों में अगर आपके उसमें फ्रॉड मिल जाए कोई तो, और ठीक है। पेनल्टी भी हैवी होती है, सो इसलिए लोग इतना करते नहीं है इसको। और वैसे भी अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो उसके 50 नए तरीके और होते हैं जो सिंपल तरीके हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से देखो। ठीक है, वन साइडेड एरर्स यस के दो पार्ट हैं। पहली है सिंपल ट्रांजैक्शंस जो कि कास्टिंग से रिलेटेड है, कास्टिंग मींस टोटलिंग। दूसरी है ट्रिकी और ये पेपर में आएंगी। तो पहले हम सिंपल वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास बेटा एक चीज लिखी हुई आए, अगर दैट परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100, क्या मतलब हुआ इसका? कि 100 रुपीज का परचेज बुक्स उसमें के से साथ 100 रुपीज की परचेज कम जाएगी। हमने कम दिखाई हुई है परचेज। बेसिकली अगर टोटल परचेजेस जो हमारी आनी चाहिए थी वो 10,000 आनी चाहिए थी, तो वो ₹100 कम आके 9,900 हमने दिखाई हुई है। अब उसे ठीक करने का क्या तरीका है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए? डेबिट परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और पहले जो है जब परचेजेस हमारी अंडरकास्ट थी तो डेबिट के अंदर सस्पेंस दिखाया गया होगा ₹100, अब आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो टू सस्पेंस अकाउंट दिखा के ₹100। समझ में आया क्या हुआ है? सभी वाली सस्पेंस सर, अकाउंट में भी तो एक हर बार दिया बार होगा सस्पेंस अकाउंट या फिर हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे? सस्पेंस के नाम से ही दिखाया जाता है बेटा हमेशा। साहिल आप कुछ कह रहे थे बेटा, तुमने कहा था कि एक बार ही सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग कैसे समझा दूं। सस्पेंस अकाउंट क्या बेटा? देखो अब जब क्या हुआ, हमने परचेजेस ₹100 कम दिखाई थी, तो इसका मतलब क्या है, जब हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो डेबिट साइड में ₹100 कम दिखाए गए होंगे, यस तो उस टाइम पे अपने ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आपने ₹100 जो है एक नए अकाउंट खोल दिया होगा। किस नाम से? सस्पेंस। कि ये ₹100 की गलती किस अकाउंट की है हमें नहीं पता, बाद में जब मिल जाएगी तब ठीक कर लेंगे, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हुआ सस्पेंस का मीनिंग क्या है? तो मतलब ये बाद में अकाउंट तो मतलब खत्म हो जाता है। हाँ ये खत्म हो जाता है जब आपकी गलती मिल जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है। अब हमें बाद में पता चल गया कि ये ₹100 किस वजह से कम थे, क्योंकि हमने जो है परचेजेस बुक में ₹100 कम दिखाए हुए हैं, तो परचेजेस डेबिट कर दो ₹100 से और जो सस्पेंस डेबिट किया हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट? तो सर इसको मतलब ट्रायल बैलेंस पे रेक्टिफाई कैसे करते हैं? मतलब वो सेम ही रहता है, फिर कुछ डिफरेंस भी आता है इसमें? नहीं, जब आपने जर्नल एंट्री पास कर दी बेटा तो सस्पेंस डेबिट में था, अब क्रेडिट में हो गया तो वो नलीफाई हो जाएगा। और परचेजेस सपोज अगर ऊपर 9,900 की थी, 100 और डेबिट हो गई तो वो 10,000 की हो जाएंगी, जिससे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कर जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक बारी कोई ट्राई करे, दैट सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। हमने सेल्स बुक बेटा ₹100 ज्यादा दिखाई हुई है। सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट हमने क्रेडिट में ₹100 ज्यादा दिखाए हैं, तो इक्वल करने के लिए सेल्स को क्या किया जाए? अब डेबिट। किस रीजन से ज्यादा दिखाए थे क्या हमें पता है? सस्पेंस हो जाएगा वो, तो अपने आप सस्पेंस। सस्पेंस आ जाएगा ₹100। जब कोई गलती नहीं पता तो सस्पेंस के नाम पे डाल दो सीधी सीधी। जैसे कि एक थर्ड ट्रांजेक्शन है, मतलब कि अगर हमें मिस्टेक पता होती है तो हम उसको रेक्टिफाई कर। हाँ, परचेजेस बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100, हमने परचेजेस ₹100 ज्यादा दिखा दी है, तो उस वजह से डेबिट में बैलेंस ज्यादा आया होगा।
अब हम परचेजेस को क्या कर देंगे, 100 रुपए क्रेडिट, और उस टाइम पे अगर 100 रुपए क्रेडिट में बैलेंस दिखाया गया होगा सस्पेंस का, तो वो अब सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। किसी को कोई डाउट आया हो बेटा, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस बुक का कौन सा बैलेंस होता है। परचेजेस बुक का डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है। ऑन दी अदर हैंड, परचेजेस रिटर्न और सेल्स बुक जो होती हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसमें अब ट्रांजेक्शन नंबर 70 से लेके 78 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्राई करो जल्दी से 70 से लेके 78 तक अटेम्प्ट करने का। कहां से कहां तक? 70 to 78, 69 तक हमने असाइनमेंट की ट्रांजेक्शन कर ली थी, अब 70 से लेके 78 तक ट्रांजेक्शंस कंप्लीट करनी है। सर अभी करनी है होमवर्क में? अभी करनी है बेटा, मैं होमवर्क नहीं दूंगा आपको, मैं ये कर रहा हूँ कि अभी क्लास के अंदर ही आप ये ट्रांजेक्शन कर लो, अदरवाइज मैं ट्रिकी वाला पार्ट 10 मिनट में इजीली करवा सकता हूँ, वो हो जाएगा तो ये पूरा असाइनमेंट और पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास आ जाएगा। तो आपको मैं होमवर्क ऐड करके नहीं दे रहा, आप सिर्फ इतना काम डन करके दे दो मुझे, अभी जो ट्रिक वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उस पर आराम से 1 घंटे की क्लास रखेंगे। सर जिसमें परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट हुई है, उसमें परचेजेस रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट होगा ना? परचेजेस रिटर्न का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर ये अमाउंट अंडरकास्ट है यानी हमने कम दिखाया हुआ है, तो परचेजेस रिटर्न को आपको अभी क्रेडिट करना है जो भी अमाउंट है आप अमाउंट, एंड देन आगे का जो अमाउंट है वो सस्पेंस में डेबिट हो जाएगा। ओके सर। इजी है वैसे, मुश्किल है ये वाली जो टाइप थी अंडरकास्ट और ओवरकास्ट? इजी है, इसका ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो बेटा कि सस्पेंस अकाउंट है क्या। चलो मैं एक और बारी थोड़ा सा अटेम्प्ट करता हूँ क्लियर करवाने का। हो गया अच्छा, एक सेकंड।
सपोज हमारे पास परचेजेस बुक दी हुई है, इसका टोटल है 2,100, 1,100, 3,000, 3,500 सपोज ये अमाउंट है, टोटल हो जाएगा 2,100, 3,400, 3,700, 10,600। हमें यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था एंड में कि परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना किया जाए, 10,600। सपोज हमने दिखा दिया 10,000 रुपए, एक्स वाई जेड रीजन हमें नहीं पता, बट जो क्रेडिटर्स के अकाउंट बने होंगे, जैसे कोई भी जब सब्सिडरी बुक बनती है उसके साथ किसके अकाउंट बनते हैं, आपको याद है सब्सिडरी बुक के अंदर मैंने ये चीज कही थी आप लोगों को कि सबको पता होना चाहिए परचेजेस बुक के साथ कौन सा लेजर बनता है और सेल्स बुक के साथ कौन सा लेजर बनता है। मैंने कहा था कि वो टाइप आगे जाके एक चैप्टर में आएगी, किसी को है याद? नहीं पता। तो यहाँ पे बेटा क्रेडिटर्स के नाम आते हैं, जैसे कि सपोज ये राम से खरीदा है, ये रावण से खरीदा है, ये हनुमान जी से खरीदा है हमने, सीता है और लक्ष्मण है, तो इन लोगों के अकाउंट में तो सही अमाउंट पोस्ट हुए होंगे या इनके अकाउंट के अंदर भी गलत अमाउंट पोस्ट हुआ होगा आपके हिसाब से? सही हुआ होगा सर, सही हुआ। ठीक है, तो देखा जाए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है वहां पे 10,600 रुपए क्रेडिट हुए हैं, बट परचेजेस में कितना अमाउंट डेबिट हुआ है? 10,000 रुपए। अब हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। सर वैसे गलती तो क्रेडिटर्स के अकाउंट पे भी हो सकती है। नहीं बेटा, यहाँ पे यही चीज समझने वाली है कि सिर्फ इसकी टोटलिंग जो है वो गलत हुई है। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, तो यहाँ पे टोटल करने में हमसे गलती हो गई, बट वहां पे तो एक एक अकाउंट के अंदर ही गया होगा सबके, तो वहां पे अमाउंट ठीक चढ़े होंगे। हो सकता है उनके अंदर भी गलती हुई हो, बट मैं अभी उस चीज को लेट नहीं कर रहा, मैं केस को सिंपल रख रहा हूँ कि सिर्फ परचेजेस बुक की टोटलिंग जो है वो गलत है। अगर आपके पास लिखा हुआ आता है दैट परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹600, उसका मतलब ये सिनारियो है कि टोटल 10,600 लिखना चाहिए था, हमने गलती से 10,000 लिख दिया। अब जब ये 10,000 लिखा गया है तो परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर भी 10,000 हुआ होगा, यानी परचेजेस में 10,000 रुपए इसके अमाउंट के डेबिट हुए होंगे। टोटलिंग में इक्वल नहीं आ रहा, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट। अब सस्पेंस डेबिट हो गया। बाद में जब हमें पता चली हमारी गलती कि हमने परचेजेस में 600 रुपए कम दिखाए हैं, तो हम उसे ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 600 से, और जो ये सस्पेंस को हमने ऑलरेडी डेबिट करके रखा हुआ है इसकी कोई जरूरत हमें नहीं थी, तो 2 suspense account करके 600 ये एरर जो है रेक्टिफाई कर दी जाती है। मीनिंग क्लियर हुआ क्या है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का? सर बट हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं परचेजेस अकाउंट पे कर देते, क्योंकि बाद में भी तो हम करेंगे अगर गलती मिल भी गई तो। मैं समझा नहीं। देखो हमें अब जो रियल वर्ल्ड की बात की जाए बेटा, वहां पे सिर्फ एक अकाउंट डेबिट में नहीं होता, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, परचेजेस का है, डेटर्स का है, और कोई डिस्काउंट अलाउड है, सैलरी वगैरह है, सबके अकाउंट डेबिट में। तो हमें पता है कि 600 रुपए की गलती सिर्फ परचेजेस अकाउंट की ही है, क्या आपको ये चीज श्योर है? नहीं सर। ठीक है, तो इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट दिखा देते हैं। बाद में हो सकता है कि भाई सस्पेंस जो है ये सारी गलती एक ही अकाउंट में मिले या एक से ज्यादा अकाउंट्स में भी मिले, तो अभी जैसे जैसे हम सस्पेंस अकाउंट का कॉन्सेप्ट करते जाएंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या रोल होता है सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है, आप लोगों के पास सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए कि जितना अभी तक हो गया वो रिवाइज कर लो, और सस्पेंस अकाउंट जो असाइनमेंट में आगे थ्योरी है वो रीड करके आनी है आपने बस। सर 1/78 का आंसर बता दो। क्या है 78 ट्रांजैक्शन बेटा? The debit side of W or debtor is overcast by ₹71. Debtor जो है ज़्यादा debit में दिखा दिया है, तो W को credit कर दो और suspense को debit कर दो। Okay. 71. छुट्टी।